watching me pull up across the room. I think you like the view. You gonna make a move. I don't make this easy for you. It's not intentional. I'm not responsible. I never play the game. But if it's in my face, I don't make it easy for you. आई होप आप लोग ठीक होंगे. हम लोग भी ठीक है. अभी सुबह के 7 बजने जा रहे हैं और मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ. ठंड के मौसम में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ. जैसे कि बाबू का एग्जाम चल रहा है और अभी उसकी मैम गई है पढ़ा के और वो नहाने के लिए जाएगी तो मैं थोड़ा सा आटा सान रही हूँ. आटा का डो लगा रही हूँ और मैं आज ब्रेकफास्ट में आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी बना रही हूँ. तो आप लोग सुबह सुबह क्या करते हैं और आप लोग की तरफ वेदर कैसा है, मौसम कैसा है ज़रूर बताइए. हम लोग की तरफ ठंड बढ़ गई है, ठंड लगती है और सुबह में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता. तो जो सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उसको बहुत बहुत मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद. लेकिन जो नहीं किए हैं उसको भी प्यार, थैंक्स, धन्यवाद. और मैं क्या बोल सकती हूँ, आप लोग की मर्ज़ी है. आप लोगों को तो मैं इतना बार बोलती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेकिन आप लोग तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हैं. और सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है सब चीज़ क्योंकि बाबू की बस दम सुबह ही आ जाती है, 7:50 तक आ जाती है. तो उसको लेट क्योंकि ब्रेकफास्ट ज़रूरी है. छुट्टी के दिन में इतना दिक्कत नहीं होता. तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा. तो आटा का डो मैं लगा चुकी हूँ. ये लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट है. इसे कब तक फ्राई करूंगी तो इस कच्चापन का स्मेल नहीं चला जाए. ये मैं झटपट बना रही हूँ, मतलब कि आपको रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ. तो मैं आलू गोभी कैसे बनाती हूँ अगर आपको देखना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा. और मैं मटर डाल चुकी हूँ. पहले मुझे टमाटर, लहसुन और अदरक का फ्राई करना है ताकि अदरक का पेस्ट कर फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन का स्मेल चला जाए. मैं सब मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, हल्के मसाले में ही बना रही हूँ. अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ. मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ. थोड़ा सा पानी डालूंगी.
ये देखिए सब्जी पूरी तरह से फ्राई हो गया है, इधर रोटी भी बन रहा है। मैं रोटी बनाते हुए इसलिए नहीं दिखा रही कि रोटी मुझसे टेढ़ बन गोल नहीं बनता है इसी के लिए। और अब मैं सब्जी में थोड़ा सा पानी डालूंगी, ये देखिए पानी डाल दी हूँ। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा ये धनिया पत्ता है, मैं नहीं बाबू तोड़ के रखी है इसको, इस तरह से इसको धो के साफ करके इसको इस तरह से स्प्रे कर देंगे। ये देखिए ऐसे मैं थोड़ा सा ढक दूंगी, इसके बाद सब्जी हो गया। थोड़ा सा मैं इसको भी 5 मिनट। ये देखिए इयररिंग्स, मुझे ऐसी इयररिंग्स बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड मंगवाए हैं धनी ऐप से, अब बहुत सस्ता मात्र 80 रुपये में, 80 रुपये में। तो और मैं गोल्ड तो पहनती नहीं हूँ। ये एक मैं अपने लिए लाल डाबर टूथपेस्ट मंगवाई हूँ, ये देख सकते मुझे यही पेस्ट अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए ये सब कपड़ा मुझे समेटना है, ये प्रेस किया हुआ कपड़ा है, ये मेरा बाबू का है सिर्फ, ये बेडशीट है, मुझे ये सब फोल्ड करके रखना है, मैंने फोल्ड करे ये सब मुझे जहाँ रहता है बेडशीट वहाँ रखना है, और ये अपने और बाबू के गोदरेज में रखना है। तो ये देख सकते हैं ये बाबू का स्कूल ड्रेस सब समेटना है, बस इतना ही काम है, ज़्यादा काम नहीं है। तो ये जूता मैं जो धोई थी इसे मैं इसमें रख दूंगी अच्छा से, ताकि साफ रहे, इसमें सेफ भी रहता है और बाहर रहने से डस्ट नहीं पड़ता है। तो मैं जूता ऐसे सेफ करके रखती हूँ। इसमें ना जूता बहुत सेफ रहता है। आगे पीछे रखते हैं, दूसरा भी मैं ऐसे ही रख दूंगी। मैं बाबू का अपना एक ही तरह का जूता मंगाई थी, देख सकते हैं। अब मैं इसे दोनों को सेफली रख दूंगी। यहाँ पर मैं रखूंगी, यहाँ पे ऐसे दोनों सूज को मैं रख दूंगी। तभी मैं छत पे चल रही हूँ, छत पे जा रही हूँ, थोड़ा सा छत पे बैठूंगी, इसके बाद मैं बचा हुआ काम करूँगी। अभी पता नहीं क्यों मेरे पैर में कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो चलिए छत पे चलते हैं। ये देखिए कपड़ा सब मैं धो के डाल दी हूँ, और ये डॉग को मैं धोई हूँ, कुत्ता, और ये 3 दिन पहले ही मैं, उधर देखिए 3 दिन पहले ही मैं धोई थी। ये कुत्ता और शेर को ये सब आर्टिफिशियल है, इसे मैं बहुत गंदा हो गया था, 2-3 दिन पहले ही मैं धोई थी और अभी तक सूखा नहीं है। और ये मैं अभी धोई हूँ, और ये मुझे ये मैं वॉशिंग मशीन में धोई हूँ, हाथ से नहीं धोई हूँ। तो अभी दोपहर के 12:15 हो गए
अबे सो गई थी। मेरा बताया था, बहुत तबीयत खराब लग रहा है, बहुत कमर में दर्द, पैर में दर्द, पता नहीं अचानक से। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तभी मैं कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं समेटी हूँ, अभी प्रेस किया हुआ कपड़ा सब मुझे रखना है। बस जूता जूता डब्बा में डाल के मैं आके कुछ देर धूप में सोई हुई थी, फिर इसके बाद नीचे आके मैं सो गई। मेरा एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और मुझे बहुत टेंशन भी हो रही है। टेंशन टेंशन बहुत तरह का होता है लाइफ में, बहुत सारा। तो जैसे कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और कोई आज के डेट में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है, खास करके फैमिली बिल्कुल नहीं। जो करना होता है अपने से ही करना होता है, तो इसलिए। और मैं बाहर जाके जॉब करना नहीं चाहती हूँ, और मैं पता नहीं कब लाइफ में कुछ कर पाऊँगी, नहीं मालूम मुझे। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है। मैं भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहती हूँ हर तरीके से, और जो करना है खुद से करना है, किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का भी सपोर्ट नहीं है। जो करना है खुद से करना है, यही सब सोचते सोचते मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और अभी तो हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, और बाबू भी स्कूल है, स्कूल चली गई है। तो खैर वो सब तो अपना अपना जॉब है, बाबू को स्कूल जाना ज़रूरी है, इनको ऑफिस जाना ज़रूरी है, लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, और किसी से मुझे और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं है। लाइफ में बहुत तरह के टेंशन होते हैं, लेकिन मैं कोई भी कंट्रोवर्सी करके मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, लाइफ में देखने से लोग बहुत खुश नज़र आता है, लेकिन ऐसा कुछ सबके लाइफ में टेंशन होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारा टेंशन है, और उस टेंशन को, उस समस्या को मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ जानते हैं, और कोई नहीं। और किसी को बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोग तो सिर्फ सेलिब्रिटी ये सब लोग को सब्सक्राइब करते हैं, उन लोग को जिसको ज़रूरत है उसको तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पता नहीं मैं कब कब मैं यूट्यूब पे अपना कब मैं यूट्यूब से अर्न कर पाऊँगी, मुझे नहीं पता है। और आप लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ मैं तो ये तो है कि मैं बाहर जाके जॉब करना नहीं चाहती, अब मैं कर भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे आँखों में एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बाहर जाके जॉब कर नहीं सकती हूँ। और बाबू को भी देखना होता है, मैं उसे अकेले कैसे छोड़ के बाहर जाऊँगी, कोई है नहीं उसको देखने वाला कि मैं जॉब पे चली जाऊँ और बाबू को कोई देखे। कोई वैसा है नहीं घर में देखने के लिए कि मैं बाबू को छोड़ के किसी और पे जाऊँ जॉब करने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती, चाह के भी मैं नहीं बता सकती, और ये सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को ही झेलना है या झेल रहे हैं। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई। मैं पहले यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट किए। मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम यूट्यूब पे अपना ब्लॉग डालो, जो अपना डेली लाइफ रूटीन में करती हो वो डालो, वो तुम मैं तो डाल रही। मैं कभी कभी मैं इतना मायूस हो जाती हूँ कि मैं
इतना मायूस हो जाती हूँ कि मैं कभी कभी डालना ही छोड़ देती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते ही नहीं हैं। मैं अपना डेली लाइफ रूटीन दिखाती हूँ कि कैसे मैं घर में रहती हूँ और मेरे घर में और क्या क्या काम होते हैं, तो अपना डेली रूटीन मैं दिखाती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का वीडियो शेयर करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा घूमने अकेले बस पटना जा सकती हूँ और कहीं नहीं, क्योंकि तो मुझे अभी शावर लेनी है। और सिर्फ समझ लीजिए लोग मतलब से लोग एक दूसरे से मतलब रखता है, एक और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी मुझे शावर लेनी है, मैं जाऊंगी शावर लेने के लिए थोड़ा देर में। अभी मुझे कुछ आराम लग रहा है, तो मेरे कमर में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पता नहीं अचानक से, तो आधा ज़्यादा तो काम मैं कर ली हूँ। मैं खाना में सिर्फ अभी चावल बनाऊँगी या दाल बनाऊँगी, तो अभी नहीं 1 बजे से या 1:30 बजे से मैं बनाऊँगी ये गरम गरम। तब तक बाबू आती है 2:25 2:15 बजे तक या 2:30 बजे तक आती है, तो उसके पहले मुझे चावल दाल बना लेना है, क्योंकि गरम गरम खाना अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा खाना ठीक नहीं लगता है। तो और हस्बैंड तो मेरे सीधे रात में आते हैं, उनका आने का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई 8 भी बज जाता है 9 भी बज जाता है, तो उनका आने का ऑफिस से कोई टाइमिंग नहीं है। तो प्लीज़ मैं कैसे आप लोग को कहूँ कि मुझे आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे बहुत आप लोग की ज़रूरत है। और मैं क्या बोलूँ, आप लोग सिर्फ सेलिब्रिटी लोग का वीडियो देखते हैं, आम पब्लिक का तो आप लोग कुछ देखते ही नहीं है। हम प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो और मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी डालूँगी तो बहुत लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। बस मैं अपना अपने हस्बैंड का और अपनी बेटी का लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, और मैं किसी को अपने वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, नहीं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता किसी के कोई कैमरा में आना नहीं चाहता, और वो लोग मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं अपना अपने हस्बैंड का और अपनी बेटी का ही लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, और मैं किसी को अपने ब्लॉग में नहीं लाती हूँ। अगर कोई अपने से आ जाए तो ठीक, नहीं कोई आए तो मैं किसी को जोर नहीं दे सकती, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि आप मेरी वीडियो में आइए। बहुत लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन अगर आज मैं YouTube पे अपना ब्लॉग डाल रही हूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल अपना रूटीन डेली रूटीन दिखा रही हूँ, तो बस अपने हस्बैंड के वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेशन करते हैं कि नहीं तुम आज न कल जरूर तुम सक्सेसफुल होगी, नहीं तो मुझे कभी कभी बहुत टेंशन हो जाती है। मैं भी अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, मैं घर बैठे बैठे ही मैं कुछ करना चाहती हूँ, हर तरीके से अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि सबको यूट्यूब पे आया है, ये तो कोई बोलने वाला बात नहीं है, सब कोई जानता है कि यूट्यूब पे क्यों लोग आता है। तो मैं अच्छा से अच्छा रेसिपी बनाने का कोशिश करती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ, तो आप लोग मेरा प्रॉब्लम समझिए। और क्या मैं बोलूं, अभी उषा आएगी थोड़ी देर में, आज उसको लेट हो गया है, आएगी तब मैं मिलती हूँ आपसे। वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करें। ये देखिए चाय निमकी और बाबू मठरी, बाबू आ गई स्कूल से, बेसन की मठरी खा रही है। और अभी टाइम देखिए चाय चल रहा है, तो आइए आप भी चाय पीने के लिए, उषा बोल रही बाबू आ गई, ठंड बहुत लग रही है, मैं जाम बहुत अच्छा गया हिंदी का, बोलो मैं
मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, हिंदी और साइंस था। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया, बायोलॉजी में एक दो तीन नंबर कटेगा और हिंदी तो एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आइए आप भी हम लोग के साथ चाय पीने के लिए। बायोलॉजी हमको नहीं अच्छा लगता। तो मैं हेयर में शावर ले ली हूँ पर हेयर आज नहीं वॉश की हूँ, हेयर में ऑयलिंग डाली। तो आइए आप लोग भी निमकी खाने के लिए। निमकी चाय खाओ बाबू, दिखाओ बाबू नंबर टू, ये पूरा पैकेट है लेके बैठी है, पूरा पैकेट नहीं खाएंगे। तो आइए आप लोग भी, ठंड के मौसम में चाय अच्छा लगता है। तो देखिए ऑफिस से आ चुके हैं और काम कर रहे हैं ऑफिस का, उधर बाबू पढ़ाई कर रही है, पर आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ इसलिए क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो अभी जब इनका काम हो जाएगा तब डिनर करेंगे। डिनर में वही सब्जी रोटी और दूध यही रहेगा। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझे दे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन बजा दें ताकि बिना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच सके। तो मिलती हो कल एक फ्रेश वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।